मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था जो है वो पटना में की जा रही है और इसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं। बता दें कि मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था होने से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो पाएगी। पटना जंक्शन के पास से मल्टी लेवल पार्किंग बन रहा है, सब निर्माण कार्य का निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है, तो देखिए लगातार जो पटना है उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है और ऐसे में मल्टी लेवल जो पार्किंग है वो भी बनाया जा रहा है और इस पार्किंग की वजह से जो जाम की समस्या होती है, जो गाड़ियों को पार्क करने में दिक्कत आती है, उस दिक्कत को दूर किया जाएगा। देखिए कार में सवार है अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं, निरीक्षण किया और जो भी कमी उन्हें लगी उसको लेकर के दिशा निर्देशित भी किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो लगातार पटना की सड़कों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय दर समय निकलते हैं। रजनीश कुमार हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रजनीश, मल्टी लेवल पार्किंग और उसका निरीक्षण नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसका कितना फायदा होगा राजधानी वासियों के लिए, अभी क्या चल रहा है वहां? बिल्कुल, देखिए पटना जंक्शन के पास यानी गोलंबर तक जो है जाम की समस्या से मुक्ति के लिए देख सकते हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग से सीधे कनेक्टिविटी जो है किया जा रहा है, यानी सबवे का निर्माण कार्य चल रहा है और टारगेट है 2024 तक सबवे जो है उसका काम पूरा कर लिया जाएगा। हम तस्वीरों के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए पटना जंक्शन से सीधे जो वाहन चालक होंगे या पैदल यात्री होंगे वो सीधे जो है इस सबवे के रास्ते जो है मल्टी लेवल पार्किंग तक पहुंचेंगे और उसको लेकर जो है तमाम दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री ने दिया है। मुख्यमंत्री अभी खुद जो है मल्टी लेवल पार्किंग के साथ साथ सबवे के निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। बता दें आपको पटना स्मार्ट सिटी की योजना के अंतर्गत ये 440 मीटर का सबवे जो है उसके निर्माण कराया जा रहा है, यानी राजधानी पटना जो है यहाँ पर पहला भूमिगत जो है सबवे का निर्माण हो रहा है और कहा जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप की तरह और उसी तर्ज पर जो है इसका निर्माण किया जा रहा है और तस्वीरें भी काफी अच्छी लगेगी। इसके साथ साथ जो जाम की समस्या है उससे भी मुक्ति मिलेगी। दो फेज में इसका निर्माण होगा ये बताया जा रहा है, करीब 69 करोड़ की लागत से इस सबवे का निर्माण कराया जा रहा है, क्योंकि जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसका निर्माण हो चुका है लेकिन पार्किंग तक जो भी गाड़ियां स्टेशन से गुजरेंगी वो सीधे अब इसी सबवे के रास्ते गुजरेंगी। इसको लेकर एक्सलेटर जो है इसका निर्माण कराया जा रहा है, इसके साथ साथ ट्रेवलेटर भी रहेगा, दोनों सुविधा रहेगी और 2024 में ये पूरा कर लिया जाएगा। करीब मल्टी लेवल पार्किंग तक जो है 340 मीटर का ये हिस्सा होगा जो अंडरग्राउंड होगा और ये सबवे का दूसरा हिस्सा जो है 100 मीटर का होगा। तो यह आप निर्माण कार्य जो है देख पा रहे हैं महावीर मंदिर के ठीक सामने और पटना जंक्शन के भी अगर देखा जाए तो ठीक सामने जो है ये सबवे है और यहाँ से सीधे कोई भी वाहन चालक या पैदल यात्री जो है एक्सलेटर के सहारे सीधे उस पार जा सकते हैं। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा राजधानी पटना का होगा राहुल, और निर्माण कार्य जिस प्रकार से रफ्तार से यहाँ पर चल रहा है ऐसे में लग रहा है 2024 के दिसंबर तक इसका उद्घाटन भी हो जाएगा और जो पटना वासी हैं या जो बाहरी पर्यटक हैं उन्हें अब यहाँ पर जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसको लेकर सीएम खुद पहुंचे थे और यहाँ से हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे अंडरग्राउंड जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हालांकि ये एक तरह से प्रतिबंधित एरिया है क्योंकि निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और पूरा घेराबंदी करने के बाद जो सुरक्षाकर्मी है अभी सीएम पहुंचे थे इसको लेकर जो है पूरी तरह से घेराबंदी किए हुए हैं और आम लोगों का प्रवेश नहीं है, लेकिन न्यूज 18 की टीम यहां पहुंची है और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहां से कनेक्टिविटी किया जा रहा है और यहां से सीधे मल्टी लेवल पार्किंग तक जो वाहन है या फिर पैदल यात्री है वो पहुंच सकेंगे, इसको लेकर युद्ध स्तर से काम चल रहा है और इसी का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे। कुल मिलाकर ये कहें कि 2024 के आखिर तक बड़ी सौगात, बड़ा फायदा मिलेगा पटना वासियों को, जाम से भी मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए।